नमस्कार, मैं रोहित कुमार सर पीएससी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज आपको देखना है प्रश्नावली 14.3। चलो टू नंबर देखो। टू नंबर क्या कर रहा है कि दिए गए बहुपद को एक पदी बहुपद से भाग कीजिए। मतलब ये देखिए, एक पदी बहुपद यहाँ है, इसको बहुपद कहेंगे, इसको एक पदी बहुपद कहेंगे, मतलब एक ही पद है इसमें, ठीक, बहुपद का। तो इसमें भाग करने का दो तरीका है, इसमें भाग करने का दो तरीका है। पहला तरीका इसका यह है कि इसमें से हम क्या करेंगे, सेम इसी संख्या को कॉमन करेंगे, आ समझ में। और दूसरा तरीका यह है कि भाग दिया तो हम डायरेक्ट जिस तरह बचपन से करते भाग आए हैं ना, उसी प्रकार से भाग करते चलेंगे, ठीक। तो कैसे, देखिए, 5m³ - 30m² 5m से भाग देना है, यही ना है? यस सर। चलिए, तो एक बार में कटेगा का ही? एक बार में कट जाएगा। यहाँ 30 है? चलो 5m है तो हम एक बार इसको भाग देंगे, 5 से 5 एक बार में लगता है भाग, दिक्कत नहीं है। m से m में भाग लग जाएगा तो यहाँ m 3 है, यानी कि m 2, यानी कि m के पावर 2। एगो एम ई है, दूगो एम में गुना होगा तो 3 गो m हो जाएगा, यानी कि m के पावर 3 हो जाएगा। चलिए अब यहां समझ लीजिए, 5 से भागा करेंगे तो कट जाएगा, m m स्क्वायर में गुना करेंगे तो m क्यू हो जाएगा ना। चलिए गुना करके भी दिखा देते हैं ना, 5 गुना m गुना, हाई दूगो m है ना, तो m गुना एम, तो 5 3 गो m है तो m के पावर क्या हो जाएगा, 3। दिक्कत है उसमें? चलिए तो 5m के पावर 3 हो गया। चलिए घटा लीजिए, सेम है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, दिक्कत नहीं है? नहीं। तो ऐसे ना काट के हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में काट देते हैं, दिक्कत है कोई नहीं है। यहाँ दिया है माइनस, तो यहाँ क्या देंगे, माइनस, यहाँ क्या देंगे, माइनस। अब चलिए 5 के टेबल कब बार पढ़े कि 30 आएगा, 6 बार 5 6 30, मतलब हमको 6 बार पढ़ना पड़ेगा। चलिए 6 बार पढ़ते हैं, 5 6 30। आ एम में वही है, एम से गुना होगा तो एम हो जाएगा, लेकिन यहाँ एम स्क्वायर दिया है तो हम यहाँ क्या देंगे, एम, यानी कि 5m 6m में गुना होगा तो 5 6 30 हो जाएगा, एम में एम से होगा तो एम स्क्वायर हो जाएगा, दिक्कत नहीं है? नहीं, क्या हो गया, एम स्क्वायर। तो यहाँ ऐसे नहीं बनाते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, ई कट गया तो 30m² नीचे उतर गया, दिक्कत नहीं है? नहीं, कट गया तो इधर वाला उतरेगा ना, किसमें है, माइनस में है, किसमें है वो, माइनस में है। अब इसको हम गुना करेंगे तो 5 6 30 बताए थे कैसे आएगा, एम में एम से गुना हुआ तो एम स्क्वायर, प्लस में है माइनस में है तो ये भी कौन सी में रहेगा, माइनस में, दिक्कत नहीं है? चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ प्लस में था, ये भी प्लस में, लेकिन हम लिखने के बाद में घटाते हैं ना, घटाते हैं तभी ना कटता है। जैसे भाग बनाते हैं, 4 से 9 में भाग देना है तो 2 बार 8, अब यहाँ घटाओ के चिन्ह दे के घटाते हैं, सेम वही प्रक्रिया है, यहाँ घटाओ के चिन्ह दे के घटाए तो कट गया ना, yes। फिर यहाँ देखो दोनों में माइनस है, फिर यहाँ घटाओ के चिन्ह देगा तो माइनस और माइनस कौन सी हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस, एगो प्लस एगो माइनस, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 5 रुपया आपके बगली में है, 5 रुपया किसी दुकान में खाए हैं तो क्या हो जाएगा, ले दे के बराबर, उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपका इतना आंसर आ जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या है इसका, चलिए देखिए, दूसरा तरीका इसका यह है, इतना ही संख्या कॉमन ले लीजिए, 5m कॉमन ले लीजिए। जब इसमें से 5m कॉमन ले लेंगे, मतलब क्या है, 5 × m × m × m, इसका मतलब यही ना है, 5m³ का मतलब 5 × 3 m, अब इसमें भागा कितना से देना है, 5, यही ना है, 5m से, किससे देना है, 5m से,
तो 5 से 5 m से खत्म हो गया, कितना बचा? 2 m, 2 m मतलब m स्क्वायर, 2 m का मतलब m स्क्वायर। चलिए एक हो गया कॉमन हमारा, दूसरा कॉमन लेते हैं इसको, 30 m के पावर 2 है, m गुना m, भागा कितना से देना है, 5 m से, एम से एम कैंसिल, पांच छ के 30, 6 एम बच गया, यहाँ माइनस 6 एम, ये दोनों में से ही कॉमन हो गया, अब भागा कितना से देना है, वो 5 एम से भागा कितना से देना है, 5 एम से। अब पहले समझा देते हैं कि आया कैसे, 5 एम, 5 में एम से गुना हुआ है, फिर 2 एम से गुना होगा तब m के पावर 3 को हो जाएगा, यानी कि 5m क्यूब हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। फिर माइनस दिया है तो माइनस ठीक है, आज 5 और 6 में मल्टीप्लाई होगा तो 30 हो जाएगा, m m में गुना होगा तो m स्क्वायर हो जाएगा, दिक्कत नहीं ना, कॉमन उसी प्रकार से होता है। अब em से em कट जाएगा क्योंकि दोनों में क्या है, कॉमन है, इसलिए इसका कितना बचा, m स्क्वायर एर माइनस 6 एम, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और एक तरीका और क्या उसमें बता रहा था, बनाया था ना सौरभ, तो उसमें क्या तरीका था, यही देखो, लेकिन ये तरीका नहीं होता है, हमेशा गलत हो जाता है, एम क्यू माइनस 30 एम स्क्वायर, अब भागा देना था कौन सी से, 5 एम से, तो ई का किया था कि ऐसे काट दिया था, 5 से 5 एक या तीन को एम है तो एक एम से कटेगा तो कितना, 2 एम बच जाएगा, ये ना। अब माइनस, फिर एक रो में 5 छक्के 30, आई 2 एम है, एक एम से भागा देना तो एक एम बच जाएगा, दोनों तीनों का आंसर क्या है, सेम है, लेकिन ये कोई मेथड नहीं, इसलिए इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, नहीं बनाते, बात वही है, कॉमन कर लेंगे इसको, क्या करेंगे, कॉमन करके तब भाग देंगे, ऐसे डायरेक्ट नहीं करेंगे, ठीक। चल आके बनो, आगे बनो, बन जाएगा टू नंबर, दोनों में 3x स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, अब 12 में 3 से भाग देंगे तो 4 बन, माइनस प्लस माइनस माइनस 4, और 2 को 4 को x है तो 2 को x कट जाएगा तो 2 को x बच जाएगा माइनस, और 3 में 6 में 3 से भागा देंगे तो माइनस और माइनस प्लस 3 टू जस्ट 6 अब काट देंगे माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2 चलो देखो यार ये दोनों में से क्या कॉमन किया गया है माइनस 3 एक्स स्क्वायर जो इधर दिया हुआ है उसको क्या कर दिया गया है कॉमन कर लिया गया है अब यहां माइनस 3 एक्स स्क्वायर यहां देखिए ये माइनस है यहाँ भी माइनस है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस दिक्कत नहीं है 12x के पावर 4 प्लस में है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस अब 3 और 4 में गुना होगा तो 12 हो जाएगा x के पावर 2 2x यहाँ है 2x यहाँ तो 4 को x हो जाएगा चलिए अब देखिए माइनस और प्लस कौन सी हो जाएगा माइनस दिया है ना यहाँ चलिए ठीक है तो चिन्ह में कोई दिक्कत नहीं है अब 3 और 2 में गुना होगा तो 6 एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर दिक्कत नहीं है अब जो दिया है भागा में तो भागा में ला लेंगे उसको और सेम है तो सेम से सेम कट जाएगा जो बचा हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा चलो सर अब इसको बनाओ दोनों में 5 से भाग लग जाएगा तो 5x कॉमन कर लेंगे अब फिर 15 में 5 से भाग देंगे तो 3 आई भाग में है तो नीचे x माइनस 3 और सेम संख्या कट काट देंगे
पांच एक्स आंसर। चलो देखो यहाँ सबसे पहले दोनों में 5x क्या है कॉमन है, यानी कि देखो यहाँ 5x जब कॉमन कर लेंगे तो 5 का 5 कॉमन हो गया, दो गो एक्स है तो एगो एक्स कॉमन हो गया, खाली कौन सी बच गया एगो एक्स बच गया। इसके बाद में देखो माइनस है तो माइनस, अब यहाँ देखो 5 से 15 में भाग देंगे तो तीन बार में कट जाएगा, एक से एक्स का हो जाएगा एक बार में कट जाएगा, एक और तीन में गुना करेंगे तीन ना होगा। अब यहाँ भाग में दिया था नीचे लिख देंगे, आई देखो ये x-3 एक जैसा है कट जाएगा, अब क्या बच गया 5x हमारा क्या हो गया आंसर। दिक्कत है ना इसमें, चला के बनो बी नंबर। थ्री एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, थ्री टू का ठीक एक्स है मतलब टू के स्क्वायर तो यहाँ पे क्यों हो जाएगा, थ्री थ्री का नाइन एक्स स्क्वायर है यहाँ पे एक्स क्यू है तो यहाँ पे एक्स बच जाएगा, थ्री फोर टू है या एक से एक्स कट जाएगा और ये भाग में तो जा जाएगा, चलो देखो किसी को भी पहली बार मतलब कि वीडियो बनाने के लिए समस्या होता है तो तुम लोग को भी थोड़ा थोड़ा हो रहा तो ऐसे नहीं ले रहा है ठीक। चलो देखो यहाँ कितना से भाग देना है 3x तो इसमें सब में 3x कॉमन ले लेंगे, 3x स्क्वायर का करेंगे कॉमन लेंगे, जब 3x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक में भागा करके जांच करेंगे कितना बच रहा है, आया समझ में? तो 3 से जब 6 में भाग करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, x के पावर 2 x के पावर 4 तो ये दो बार 4 गो x है, 2 गो x से काटना है तो 2 गो x बच जाएगा। चलिए प्लस दिया है तो प्लस 3 से 3 को काटेंगे 3 बार में कटेगा, x के पावर 2 x के पावर 3 तो 3 गो x है ये 2 गो x है, 2 गो x है 2 गो x कट जाएगा, कब बचेगा 1 गो x बचेगा ठीक। माइनस दिया है तो माइनस 3 से 12 को काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा एक बार में, दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ भाग के चिन्ह दिया हुआ है तो नीचे आ जाएगा ये संख्या, और सेम संख्या से सेम संख्या क्या होगा कट जाएगा, जो बचा हमारा क्या हो गया यहाँ आंसर, दिक्कत नहीं ना इसमें। चलो ठीक है।